हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी है, ZN से ZnSO4, कंसंट्रेशन क्या 0.01 m, TuSO4 1.0 m एंड प्लस Tu। द EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1। तो इसका EMF क्या E1 है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज टू 1.0 m एंड दैट ऑफ द TuSO4 चेंज टू 0.01 m, द EMF चेंजेस टू E2। From the following, which one is the relationship between E1 and E2? Given 2.303 RT upon MF बराबर 0.059। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपनी सेल को लिखो कैसे है, ZN, ZnSO4 एंड यहाँ पे क्या आया 0.01 m, ये आ गया इस तरीके से एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा TuSO4 और ये क्या होगा बच्चों 1.0 m और ये क्या आ जाएगा अपने पास Tu। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा किसको कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एनोड को, ये आपका सॉल्ट ब्रिज और ये आपका कौन सा कंपार्टमेंट है बच्चों, कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब एनोड पे हमारा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ZN से ZN 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कैथोड पे अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे क्या होगा Cu 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा Cu, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी ओवरऑल रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, ZN प्लस में Cu2 पॉजिटिव गिव ZN 2 पॉजिटिव प्लस में Cu। ठीक है ना बच्चों, ये होगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब EMF का फॉर्मूला यूज करेंगे तो EMF बराबर क्या होगा, E सेल निकालने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल बराबर E नॉट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 आरटी अपॉन में एफ एंड लॉग क्यू। क्यू क्या होगा, रिएक्शन कोशिएंट और इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, क्यू बराबर ZN2 पॉजिटिव अपॉन में Cu2 पॉजिटिव। और ये जो Cu और ZN हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं इसलिए हम इनको लेंगे नहीं बच्चों, क्या करेंगे इनको हम इसलिए लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ई सेल बराबर ई नोट सेल एंड माइनस में अगर मैं बात करूं तो 2.30 RT अपॉन में NF सॉरी, है ना, तो अपॉन में F क्या हो गए 0.059 अपॉन में F और यहाँ पे क्या आ जाएगा log एंड ये Q क्या हो जाएगा बच्चों ZN2 पॉजिटिव, अभी इसको Q ही लिखते हैं, है ना, और F क्यों लिखा है हमने यहाँ पे N लिखेंगे, N क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो वो कितने हैं बच्चों N है यहाँ पे 2 है, क्या है 2। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इस तरीके से हुआ E सेल करेंगे इसको, ठीक है, और E नोट सेल को, ठीक है ना, E नॉट सेल को मैं X मान लेता हूँ, ठीक है X मान लिया एंड ये 0.059 एंड और ये अपॉन में 2 और log Q की मैं अगर बात करूं बच्चों तो log Q क्या है, log ZN2 पॉजिटिव अपॉन में Cu2 पॉजिटिव। तो अब ZN2 पॉजिटिव की मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.01 अपॉन में 1, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा X माइनस में 0.059 अपॉन में 2 और ये क्या आ जाएगी बच्चों माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस में क्या आ जाएगा 0.059। ये तो आया आपका E1, ये क्या आया बच्चों E1 निकल के आया। अब इसी तरीके से क्या करना है E2 कैलकुलेट करना है, बस उसमें क्या कंसंट्रेशन हमने क्या करी है उल्टी कर दी है एक तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो x माइनस में 0.059 और अपॉन में क्या है बच्चों 2 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा log और यहाँ पे क्या होगी कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन में 0.01, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ x माइनस में 0.059 और अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों log 10 की पावर 2, तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ x माइनस में 0.059 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया E2 निकल कर आ गया x माइनस में 0.059। तो E1 क्या है आपका x प्लस में है और E2 क्या है x माइनस में, तो यहाँ से सीधा मतलब क्या हो गया कि बच्चों आपका E1 ग्रेटर देन E2 है, क्या है बच्चों E1 ग्रेटर देन E2 है। तो ऑप्शन ए E2 बराबर 0, क्या E2 0 निकलेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं, काट दो, E1 बराबर E2 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, E1 लेस देन E2 बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा E1 ग्रेटर देन E2, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।